के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। नागरिकता कानून लागू होने के बाद गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए बोले सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, कहा नागरिकता कानून से भारतीयों को कोई नहीं है नुकसान। विपक्षी पार्टियां कर रही हैं भ्रामक प्रचार, आंदोलन के नाम पर करा रही हैं उपद्रव। इको फ्रेंडली गोरखपुर महोत्सव का शानदार आगाज, पर्यटन मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। जयंती माला और स्कूल की छात्राओं ने मनमोहक कथक नृत्य दर्शकों का मोहामन। लाखों रुपए के चोरी के सामानों के साथ चार शातिर अभियुक्त चढ़े शाहपुर पुलिस के हत्थे, घरेलू सामानों के साथ भारी संख्या में जेवरात भी हुए बरामद, एसपीसीडी ने किया खुलासा। गोरखपुर महोत्सव में स्वामी विवेकानंद एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर चित्र प्रदर्शनी का महापौर ने किया शुभारंभ, कहा प्रदर्शनी को सभी लोग देखें और चले महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर। खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखनाथ मंदिर में आतंकवाद निरोधक दस्ता, घातक के जवानों को एसएसपी ने किया ब्रीफिंग, बताई सुरक्षा की बारीकियां। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत शहर के विभिन्न स्थानों पर विविध कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता एवं विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। गोरखपुर महोत्सव में पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ किसान मेला में दिखा कृषि उत्पाद से लेकर उपकरण, पुस्तक बिक्री से लेकर टेराकोटा निर्मित कलाकृतियां। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर किया गोष्ठी का आयोजन, नरेंद्र से नरेंद्र तक का भारत विषय पर कवक्ताओं ने व्यक्त किए अपने विचार। उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के प्रांतीय सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने दिलाई नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद और कर्तव्य निष्ठा की शपथ, कहा प्रदेश के विकास में कर अधिवक्ताओं का होता है विशेष योगदान। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न खेलों का हुआ समापन, मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन ने विजेता और उप विजेता को किया पुरस्कृत। और किराना मंडी में काम करने वाले गरीब लोगों को नगर निगम ने बांटे कंबल, महापौर ने कहा महानगर में ऐसे गरीब लोगों को कंबल वितरण की आगे भी की जाएगी व्यवस्था।